तो आज हमारा मतलब लास्ट डे है, कल हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, कल हमारी फ्लाइट है और आज लास्ट डे हम लोग हाउस बोट में बिताने वाले हैं। तो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं, तो हमारा हाउस बोट है निगिन लेक में, घाट नंबर 1 पे, और हमारे हाउस बोट का नाम है वांगरू शेरटन। तो हम लोग अभी वहीं जाएंगे और उसके बाद वहाँ से फिर शिकारा राइड के लिए निकलेंगे। तो चलिए हमारे साथ। ये डाल लेक का पीछे का साइड है और इसका ठीक ऑपोजिट में इस तरफ निगिन लेक है। ओह माय गॉड, व्हाट इज हैपनिंग, अरे बाप रे। तो यहाँ पे ये है निगिन लेक, हम लोग अभी जाएंगे और वहाँ से फिर शिकारा राइड करके जाएंगे। तो शिकारा राइड जो है वो यहाँ से गेट नंबर 1 से हाउस बोट तक लेके जाने के लिए, हाउस बोट का जो सिकर आ रहा है उसी से ही हम लोग को लेके जाएगा, वो लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका पैकेज में इंक्लूड है। और फिर हम लोग वहाँ पे पहुँच के चेक इन करने के बाद फिर हम लोग निकलेंगे, जो ई लोग का कम्प्लीमेंट्री एक 1 आवर का सिकर राइड है डाल लेक में, वहीं पे जाएंगे अभी। सब अपना अपना जो गाड़ी है होटल से आके यहाँ पे रख रहा है, फिर यहाँ से आगे सिकारा करके जाना पड़ेगा हाउस बोट तक। गेट नंबर 1 है, हम लोग आ गए हैं, इधर है। तो छोटा लगेज है, हाँ छोटा छोटा लगेज ले लेंगे अपने साथ। तो यहाँ पे हम लोग को छोटा छोटा लगेज सब अपना हाथ में लेना पड़ेगा, ले लो एक बार। तो हम लोग अभी यहाँ पे सामान निकाल रहे हैं और अभी यहाँ से हम जाएंगे शिकारा में। ये है शिकारा स्टैंड, हम लोग को जाना है अभी, हम लोग चेकिंग करेंगे, चेकिंग करके जाएंगे उसके बाद पूरा दिन। तो हमारा सामान बहुत सारा है, पता नहीं शिकारा में कैसे जाएगा इतना सामान। हाँ, सुबह घोड़े तो सब आई इसमें ऐसे लेट के कंबल पैरों में डाल के और घूमते हैं सब। हम लोग का लगेज बहुत हो गया। तो ये अपना अपना हाउस बोट का यहाँ पे शिकारा राइड है, शिकारा है। ये जो लास्ट में दिख रहा है ये सब हाउस बोट है, उस हाउस बोट में हम लोग को कहीं पे जाना है, लेकिन वांगरू शेरटन कहाँ पे है पता नहीं है, तो यहीं से हम लोग लेके जाएंगे। लगेज में है, लगेज छोड़ के अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं शिकारा में और लगेज को हम लोग को पीछे यहाँ पे डाल रहे हैं। अरे तो टेंशन है कुछ नहीं, टेंशन नहीं, और किया चाहिए यहाँ पे पीछे जो जगह है वहाँ पे लगेज डाल रहा है, यहाँ पे बैठने की जगह है, जा रहा है और ये लोग कितना डर रहे हैं देखो, इतना हिल रहा है ये, तो फ्रिज लेके जा रहे हैं, फ्रिज या वीडियो कॉल का क्या पता नहीं क्या, वॉशिंग देखो क्या क्या सब जा रहा है, इतना भारी भारी चीज इसमें चला जा रहा है यार, ये लोग टेंशन कर रहे हैं। ओहो आगे क्या, सब हम लोग का सामान सब आ गया ना, ठीक है भाई देखे ना, जब तो देखा जाते ना बहुत चीजें पहुंचे आ चुके हमारे शिकारा चलते आरंभ कर दिए चले। ओहो क्या मस्त है फिर, लेकिन निगिन लेक इतना क्लीन नहीं है, देखो कोयल की लेक भी इतना क्लीन नहीं है, नहीं डाल लेक थोड़ा क्लीन है बट यहाँ पे ये है नहीं। तुम ये तो लूट चुके हो ना, आराम से बैठा हुआ है ये। और ये लोग यहाँ पे डरे हुए हैं पूरा, कोई डरने की जरूरत ही नहीं, आराम से बैठो, कहाँ झुका हुआ है, कुछ भी नहीं है। अच्छा मैं थोड़ा सीधा बैठता हूँ, ठीक है मैं आराम से राजा की तरह बैठता हूँ। आप देखो ये तो मैं फैल गया, देखो बड़ा मजा आ रहा है, बस ले जा मजा आ रहा है पूरा है तो स्लेजर मतलब उल्टा दे, लग रहा है कि आप सो जाऊं, ठंड नहीं होता तो सो जाते हैं, ठंड नहीं होता तो सो जाते हैं। एक कंबल दे दो, पानी बहुत ज्यादा तो गहरा नहीं है ना, बहुत गहरा है
अरे बाप रे, पानी गहरा है लेकिन कुछ नहीं होगा, सब लोगों को स्विमिंग आता है। मुझे नहीं आता, टेंशन मत लो, तुम्हें आता है। मैं तो सो गया भाई। देखो पूरा ओई तुले दिए उधर, पूरा सब कुछ नष्ट कर दिए। क्या मस्त मौला ही नष्ट कर दीजिए पूरा। कितना अच्छा लग रहा है जब इसमें जा रहे हैं, मजा आ रहा है पूरा एकदम मस्त मस्त मजा। क्या बात बस बस है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून हो गया है अभी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ऐसा बनाते हैं हम। ओ अच्छा, वही जैसे आज से शुरू हो गया छे। फोटो एक्सप्रेस, क्या बात है, फोटो एक्सप्रेस है ना। फोटो एक्सप्रेस अच्छा, मसाला सा। हां दूरी ना रे, बमरो बमरो। हां बमरो बमरो, शाम रंग बमरो। देखो ना दी आए हो किस बगिया। अरे गाना बाद में गाना। ओ सब मिला के 100 रुपए फोटो है तो सही है ना। फोटो खींच पे तुम्हें। আরে ড্রেস সব নিয়ে বলছে, ড্রেস পরিয়ে দিয়ে সব, ড্রেসের তো 200 টাকা নিয়ে নেয়। Only one photo 100 rupees. One photo 100 rupees. और आर आर एक ही ड्रेस में अगर हमें और दो तीन फोटो लेना है तो एक ही ड्रेस पर फोटो 100 rupees. अच्छा अरे बाप रे, और ड्रेस तो और एमनी दे दीजिए। और ड्रेस के निकलने वाले इसी में। अच्छा, और सुबह मिलेगा फोटोग्राफ, उस टाइम पे ही करना है, अभी आपको कोई पेमेंट नहीं लेना। वांगरू साइड एंड का 4 हाउस बोट दिख रहा है, हम लोग कौन सा जाएंगे पता नहीं है। यहाँ पे हाउस बोट ही हाउस बोट है सब, कितना सारा हाउस बोट है। ये इस तरफ है हाउस बोट, ये है हम लोग पहुँच गए हैं मेहजूर सुपर डिलक्स। हेलो, आखिरकार आ ही गए। दीदी चलो चलो चलो, ये किसका है? चलो आहिस्ता आहिस्ता, पहले जाने दो। तो अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं और बहुत ही सुंदर लग रहा है, तो आप लोग के साथ शेयर करेंगे हम लोग कैसा है ये हाउस बोट, इसका हाउस बोट का टूर भी देंगे। चलो पहले सबको आने दो फिर जाते हैं। वी आर इन कश्मीर। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, ये रिसेप्शन है, लिविंग रूम एरिया है, जो गेस्ट आते हैं पहले यहाँ पे बिठा के फिर उसके बाद चेक इन करते हैं। अच्छा, और एक चीज़ बोलना था, यहाँ पे अंदर आने के पहले यहाँ पे सूप को बाहर के रख के आना पड़ेगा। ये फ्लोर में बहुत ठंडा है नीचे से। हाँ नीचे तो पूरा हैंडमेड कारपेट है इसमें। वाह, हैंडमेड कारपेट से। अच्छा, तो भी अभी अभी हम लोग चेकिंग कर लेते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं। तो ये है लिविंग रूम हमारे हाउस बोट का, तो ये भी सेंट्रलाइज सेंट्रलाइज फिटेड है, और यहाँ पे लिविंग रूम में भी एक टीवी है। काफ़ी ठंडा है अभी तो, यहाँ पे हीट नहीं है, 5:30 बजे से स्टार्ट करते हैं ये लोग हीटर। और ये है डाइनिंग रूम, और ये किचन है ना? नहीं ये किचन नहीं है, ये देखो। अच्छा ये किचन है, तुम लोगों को नजर नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं। अच्छा चलो उधर चलो। और यहाँ हम इस जो हाउस बोट में 3 रूम है और 4 रूम है टोटल, 4 रूम है जिसमें से 3 हमने बुक कर लिए हैं। एक ये दरवाजा बंद कर दिया शायद। एक ये रूम है। हम लोग थोड़ा डेक के ऊपर आ रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि सीनरी बहुत है, वो ब्यूटीफुल।
यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ठंड की वजह से कर नहीं सकते, ये एक चक्कर है। तो ये डेक के ऊपर से अच्छा लग रहा है, लेकिन वही है, बैड लक, बैठ नहीं पाएंगे। हाँ यहाँ पे दिख रहा है, बट ये कैमरा में कैप्चर नहीं होगा। कल सुबह थोड़ा जल्दी उठ के आना है। कपड़े भी सुखा सकते हैं, कपड़े धोके छत पे हाथ में हो गए। जामा कपड़े सुखाते पर देखो हाउस बोट पे छाते उठे छी हमरा एकदम मस्त मजा। सुखाने बहुत जाएगा सामने बड़ा सा पहाड़ आछे जे तो मेघला हो गेछे बोले आ देखा जाच्छे না সেটা। সকালে যদি রোদ ওঠে তাহলে দেখাবো তোমাদের। চলো চলো সিকার রাইড পে চলতে। ये हम लोग का एक रूम है यहाँ पे। डबल बेडेड रूम है यहाँ पे। वही रूम बोलो तो जब हम खाट रहे थे दो वही दो रूम हुए होले हो जाए। तीन तर रूम तीन तर दवाई चिलो। ठीक है। तो ये मैंने दो दो यहाँ पे वॉशरूम है, और यहाँ पे बोला गया है कि फ्लोर में कुछ पानी ना डालने के लिए, जो भी पानी यूज करना है इसके अंदर ही करना है। गीजर भी इतना बड़ा लगा हुआ है, ये टोटल है। यहाँ पे रूम हीटर है जो 6:30 बजे से चलेगा, और इधर और एक रूम है। यहाँ पे डबल डबल करके दिया हुआ है, यहाँ पे डबल सो सकते हैं, यहाँ पे सिंगल। एक ड्रेसिंग टेबल है, एक कबर्ड है इस रूम में, और वॉशरूम सेम ही है। वॉशरूम जो है वो सेम ही है। ठंड बहुत है यार, और एक हम लोग का अलग है, और एक रूम है जो के है ये वाला रूम। अच्छा बोले जी मेरे पे एक फोटो जल ना फिर। हाँ पंखा भी लगा हुआ है, मतलब बहुत गर्मी भी होता है। हाँ। तो ये सेम ही है सब रूम। इसका जो वॉशरूम है ये बहुत बड़ा लग रहा है, क्या बात है। तो अभी हम लोग यहाँ से सिकारा करके फिर डाल लेके जाएंगे वहाँ पे। हम लोग का जो कॉम्प्लीमेंट्री सिकारा राइड है, वहाँ पे जाने के बाद फिर हम लोग थोड़ा लंच करेंगे, उसके बाद सिकारा करेंगे।